नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रावल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरएस अग्रवाल के ही सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम हमारा चल रहा है, एचसीएफ एलसीएम हमारा चल रहा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लगा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 34 से इस पार्ट में हम शुरुआत करने वाले हैं। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 तक हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट हमने उनमें सीखे जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मैं से 16 तथा लय से 136 हो। तो दोस्तों, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, अनंत और कोई नहीं। ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किन्हीं भी संख्याओं का मैं से, किसी भी संख्या का, किन्हीं भी, किसी नहीं, दो या दो से अधिक किन्हीं भी संख्याओं का मैं से उन संख्याओं के लेसे को पूरी तरह विभाजित करता है। ये बात एक हकीकत है और ये अटल सत्य है, आप ऐसे भी इस बात को कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैं से कितना दिया है दोस्तों, हमें मैं से दिया है दोस्तों 16, और दोस्तों लय से कितना दिया है यहाँ 136। तो दोस्तों, क्या 16 136 को पूरी तरह विभाजित कर पा रहा है? 16 136 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा। इस कंडीशन में जब 16 136 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है, तब कोई संख्या निकल के नहीं आ रही है, कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है। और जब नंबर नहीं मिलेगा तो दोस्तों पेयर नहीं बन सकते, जब नंबर नहीं मिलेगा तो दोस्तों पेयर नहीं बन सकते। जब पेयर नहीं बनेंगे तो ना तो एक पेयर होगा, ना दो पेयर होंगे, ना इन्फिनाइट होगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा हमारा? डी। आपको करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको अपना सेंस लगाना है कि दिए हुए मैसे से क्या दिया हुआ लय से विभाजित हो रहा है। अगर दिए हुए मैसे से दिया हुआ लय से विभाजित हो पाए तो दोस्तों फिर एक कोई नंबर आ जाता निकल के, फिर हम उसके पेयर बना रहे होते, तब हम कहते कि भाई एक जोड़ा संभव है, दो जोड़े संभव है, या तीन जोड़े संभव है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 306 657 का मैसे, दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, 306 और 657 का मैस है, यानी कि 306 और 657 का मैस है हमें दिया है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो मैसे है भाई संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, संख्या दी हुई है, संख्या को मैसे से हमें विभाजित करना है, ठीक है। मैसे होता क्या है, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देता है, ठीक है। मैसे दी हुई संख्याओं को ही तो विभाजित करता है। तो देखो 34 बार चला जाएगा दोस्तों, 34 गुणा 657 बराबर दोस्तों 22338, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आपका सही होगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बस इतना सा प्रोसेस है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, आपको संख्याएं दे रखी हैं, मैसे दे रखा है और आपसे लैसे पूछ रहा है, तो आपको संख्याओं को में भाग लगाना है मैसे का, आपका लैसे निकल के आ जाएगा। आप इन दोनों नंबरों का लैसे निकालोगे तो भी आपको यही नंबर मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस आज के इस पार्ट में। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ा अच्छा सा सवाल है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों यहाँ आगे हम इस क्वेश्चन को करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं भी न्यूनतम आ जाए, कम से कम आ जाए, छोटी से छोटी आ जाए, मतलब कि कोई चीज़ को मापने के लिए अगर किस छोटी से छोटी वस्तु का या छोटी से छोटी संख्या, मतलब ऐसा कोई भी आ जाए जो कम की ओर हमें इशारा कर रहा हो, तो वहाँ दोस्तों हमेशा एलसीएम निकलता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जब बड़े की बात आएगी वहाँ एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, सबसे पहली बात तो न्यूनतम जो मैंने आपको बता दी न्यूनतम, फिर कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूरी तरह विभाजित हो। मतलब कि हमें यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन से इसको आंसर को करेंगे, चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है। हम अगर हमें करना क्या है कि पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कि इन तीन नंबर से हमारा एक ऑप्शन पूरी तरह विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा वो नंबर, 15 से भी और 25 से भी, तो हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है। तो दोस्तों अगर हम 400 की तरफ जाएं अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ, तो आप देखोगे कि 400 12 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, 12 3 36, 4 बचे, फिर 12 3 36, 4 शेषफल रह जाएगा, जबकि वो कह रहा है पूर्णतः विभक्त हो, मतलब कि पूरी तरह विभाजित हो, रिमाइंडर कुछ भी ना आए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा,
विदिन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे 12 से 900 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 60 बचेंगे, 6 बचेंगे 0, 60, 12 5 60, 15 6 90, 25 3 75, 15 बच गए, 25 6 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा। अगर आप इसको बेसिक से करने की तरफ जाओगे क्वेश्चन नंबर 36 को, तो दोस्तों आपको 12 15 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 15 25 का एलसीएम। तो दोस्तों 2 से 6 बार जाएगा, 15 का 15 रहेगा, 25 का 25 रहेगा, 2 से 3 बार चला जाएगा, 15 25, 3 5 25, 5 5 5, ठीक है दोस्तों। पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों 5 हमें मिला कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यही तो मिला। तो दोस्तों 2 के तो पेयर बन गए, 5 के भी पेयर बन गए, अब हमें 3 का भी तो पेयर चाहिए, यानी कि 4 गुणा 9 गुणा 25। तो दोस्तों 25 चौका 100 और 100 निम्मा 900, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या जो आई वो 900 आई। आपको अगर आप बेसिक से करोगे तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर रहे होगे, लेकिन अगर जिसे नहीं पता है, नहीं पता है, हो सकता है 25 25 3 75 दूनी 150 दूनी 300, ऑप्शन में 300 होता तो मैं कह रहा हूँ मेरे कुछ दोस्त ऐसे होते जो 300 को क्लिक करके आ रहे होते, टिक कर रहे होते 300 को, कि 300 सही होगा, जबकि 300 गलत होगा, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं लैंग्वेज की, वो हमें पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हो, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन का यूज़ किए 10 सेकेंड में बता सकते हो। आपको इन 3 नंबर से 8 10 12, जो हमें 8 10 12 दिए हैं, इनसे एक ऑप्शन डिवाइड करना है जो कि हर हालत में 7 रिमाइंडर छोड़ के जाए। तो आप पहले ऑप्शन की तरफ जाओगे तो देखोगे 8 से अगर आप 127 में भाग लगाओगे तो 120 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 7 रिमाइंडर रह जाएगा। देखो करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करना। 127 में आपको 8 का भाग लगाना है, 127 में आपको 8 का भाग लगाओगे, 8 एकम 8 4 और 7 8 5 40, रिमाइंडर कितना आ गया, 7। यही वो कह रहा था कि हर दशा में 7 शेष बचना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सीधा करके लिखते हैं तो 127 करना कैसे है, ऑप्शन से 8 एकम 8 4 7 8 5 40, रिमाइंडर कितना आ गया, 7, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर 127 में 10 का भाग लगाओगे तो 10 एकम 10 27 10 दूनी 20, रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से भी 7 आ गया। 127 में 15 का भाग लगाना है 12 का, 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 7। यही क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। मैंने क्यों कहा 127 की तरफ जाना है, क्योंकि उसने खुद यहां कह दिया न्यूनतम संख्या कौन सी है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमने देखा 267 बड़ी है, उससे छोटी 177 137 127, तो हमें न्यूनतम संख्या को देखना है, नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं है, बाद में हमारा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हम अपने सबसे छोटी संख्या को देखेंगे, और हमने देखा सबसे छोटी संख्या 127 है। क्या 127 इस कंडीशन को पूरा कर पा रही है, भाग लगाऊं मैं इन तीनों नंबर से और मेरे को हर कंडीशन में 7 रिमाइंडर आता रहे। तो मैंने पाया कि 8 से भाग लगाया तो 7 आया, 10 से भाग लगाया तो 7 आया, 12 से भाग लगाया तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, ठीक है। दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 8 10 12, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस रिमाइंडर, यानी कि शेष पर, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए वह न्यूनतम संख्या जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों यहाँ एक्स वाई जेड जो होंगे ना वो नंबर्स होंगे, जैसे कि 8 10 12 हैं, तो मैं एलसीएम ऑफ कहूंगा यहाँ 8 10 12 जो आएगा 120 प्लस रिमाइंडर, मैंने बताया रिमाइंडर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 जोड़ दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 127। आप देख रहे हो 127 ऐसे भी आ रहा है, और मैंने जैसे बताया वैसे भी 127 ही आपको आंसर मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 38। पिछले वीडियो में कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी दोस्तों, ठीक है, थोड़ी सी हो रही थी दिक्कत मेरे को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जब आप देख रहे हो दो क्वेश्चन है एक टाइप के, यहाँ कह रहा है दोस्तों घटाने पर और यहाँ कह रहा है 9 जोड़ने पर। जब भी दोस्तों घटाने की बात आएगी तो हमारा जो घटाने वाली संख्या है दोस्तों वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ एलसीएम ऑफ नंबर्स, एलसीएम ऑफ 14, 15, 21, 32, इनका हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, 14, 15, 21, 32 का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे दोस्तों तो एलसीएम आ रहा होगा दोस्तों हमारा 3360। ठीक है, अब वो कह रहा है घटाने पर, मेरी बात को समझना अच्छे से, इस बात को मैं अभी समझाता हूँ आपको। सवाल को पढ़ो पहले, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो। 11 घटाने पर यानी कि इन नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो, कब, जब मैं उसमें से 11 घटा दूं, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो अगर मैं 14 से इसको भाग लगाऊंगा तो ये पूरी तरह विभाजित होगा, 15 से भी होगा, 21 से भी होगा, 32 से होगा, ये दिए हुए चारों नंबरों से विभाजित होगा। अब वो कह रहा है 11 घटाने पर, कंडीशन को समझना उसकी को, वो कह रहा है 11 घटाने पर, उसके बाद 11 घटा दूं उस संख्या में से, तब ये इन नंबरों से वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है, जो हमें नंबर दिए हुए हैं उस नंबर में हमें 11 ऐड करना है, तभी तो मैं कहूंगा 3371। और अब क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाएं, जैसे क्वेश्चन ने कहा है 11 घटा दो, अगर मैं आपसे कह दूं अब आप इसमें से 11 घटा दो तो दोस्तों 3360 ही लौट के आएगा, और 3360 इन चारों नंबरों से पूरी तरह विभाजित है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 3371 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आ गई आपकी समझ में अच्छे से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए घटाने वाला, तो एलसीएम में घटाने वाली राशि को हम जोड़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 54, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। यहां हमसे शेषफल कहा है और यहां हमसे संख्या कहा है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन में फेर आया है लैंग्वेज को पकड़ने के लिए, कि यहाँ तो उसने कह दिया शेषफल और यहाँ कह दिया संख्या, तो बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाएगा इस चीज़ में कि यहाँ शेषफल था या संख्या था। अरे भैया यहाँ भी तो वही बात कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32 में से पूरी तरह विभाजित हो। आप यहाँ शेषफल कह दो या संख्या कह दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों 24, 32, 54, 60 24, 32, 54, 60 का एलसीएम दोस्तों लोगे तो आएगा दोस्तों 864। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लोगे तो दोस्तों आएगा 864। अब वो कह रहा है 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 54, 60 में से प्रत्येक से विभाजित हो। 9 जोड़ने पर यानी कि ये जो संख्या है 864, क्या ये 24 से पूरी तरह विभाजित है? तो आप देख रहे हो 24 या 72 कितने बचे, 12, 124, 24 या 72, 14, 144। हाँ अभी ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है इन नंबरों से। ठीक है, अब वो कह रहा है 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में से पूर्णतः विभाजित हो। तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो वो संख्या क्या होगी, तो यानी कि 864 माइनस 9, यहाँ माइनस होगा, तो दोस्तों 855 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। 864 माइनस 9 आपको करना है। यहाँ घटाने की कंडीशन पे हमको जोड़ना था और जोड़ने की कंडीशन पे हमें एलसीएम में से वो संख्या घटानी थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम चलते हैं। बहुत अच्छे से ये सवाल हैं, 4-5 जो भी मैंने लिए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया करके इनको करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा कॉन्सेंट्रेटली। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है, थोड़ा लंबा होगा। वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। दोस्तों मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, मेरी प्लेलिस्ट है रावल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर, आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कॉम्पिटिटिव मैथ एग्जाम्स। ठीक है, वहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को, एलसीएम तक ही मैं पढ़ा पाया हूँ वहाँ पर,
HCF LCM पूरा कंप्लीट कर दिया था, वहाँ मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ के लिए लगेगा मैंने वहाँ डिस्कस किया है था। आप वहाँ जा करके भी इन सारी चीज़ों को एक बार और देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यहाँ से दिख रहा है ना आप लोगों को दोस्तों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो दोस्तों सबसे पहला काम होना चाहिए 6, 9, 15, 18 का एलसीएम। 6, 9, 15, 18 जो हमें नंबर दिए हुए हैं दोस्तों, 6, 9, 15, 18 इनका हम क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। 6, 9, 15, 18 इनका जब दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 90। कितना आएगा दोस्तों? 90। यानी कि एक बात आप मेरे को बताओ, ये जो 90 आया है क्या ये 7 का गुणज है? ये 7 का गुणज हो सकता है क्या? 7 के पहाड़े में 90 आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो ये 7 का गुणज नहीं है। अब वो कह रहा है भाई भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अगर आप इनसे भाग लगाओगे 6, 9, 15, 18 से 90 में, तो क्या आपको 4 शेष बचेगा? नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि 4 शेष बचे। तो दोस्तों मैं ये कह दूं कि 90 प्लस 4, ठीक है, 90 प्लस 4, अगर आप इस कंडीशन पे यहाँ रुकते हो और फिर चेक करते हो तो आपको हर कंडीशन में रिमाइंडर 4 बच जाएगा। लेकिन इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 94। तो आप मेरे को ये बता दीजिए क्या 94 7 का गुणज है? एक बात मेरे को बताइए, क्या 94 यहाँ से 7 का गुणज आ रहा है? मेरे को तो नहीं लगता कि 94 7 का गुणज है, या 7 के टेबल को अगर आप रीड कर रहे हो तो 94 कहीं आपको मिलेगा 7 × 2 = 70, 77, 84, ठीक है, 91। तो 94 7 का गुणज नहीं है। और वो कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? तो दोस्तों गुणज चाहिए मेरे को 7 का। कहने का मतलब ये है 7 का छोटे से छोटा गुणज चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी करवा सकता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखो करना क्या है, 90 इसे भूल जाओ, ये मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया भूल जाओ इसे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीज बातें लिखी। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा, 90 अगर मैं कह दूं 90k + 4 तो क्या कुछ गलत होगा? कुछ नहीं गलत होगा। k मैंने क्यों माना है ये अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों मेरे को 90 में एक ऐसी संख्या की गुणा करनी है, एक ऐसी संख्या की गुणा करनी है, मान लो मैंने k की गुणा कर दी कि मैं 90 गुणा करूं कोई भी राशि कोई भी संख्या और उसमें 4 जोड़ूं, ठीक है, तो एक संख्या आएगी मेरे को, और फिर मैं उस संख्या में 6, 9, 15, 18 से भाग लगाऊंगा तो प्रत्येक दशा में 4 शेष आएगा। तो दोस्तों मेरे को आइडिया नहीं लग पाएगा कि 90 में मैं क्या 90 की किसके साथ गुणा करूं, तो मैं या तो करके देखूंगा 90 × 1 तो 90 = 94 रहेगा, 90 × 2 करूंगा तो 184 आ जाएगा, फिर मैं देखता हूं 184 6 से डिवाइड करा तो 6 × 3 = 18, 4 × 9 से डिवाइड करा तो 9 × 2 = 18, 4 × 15 से डिवाइड करा, 15 × 1 = 15 तो भी 4, 18 से डिवाइड करा तो भी 4 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या आ जाएगी क्या 184, जबकि हमें ऑप्शन में दी हुई है 184, लेकिन नहीं आ सकती, ठीक है। तो हम करते क्या है कि इसको ब्रेक कर देते हैं 90 के को, कहने का मतलब 90 के को ब्रेक करना है, 90 को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? जो संख्या हमें यहाँ दे रखी है 7 का गुणज, 90 में आप 7 का भाग लगा दीजिए, बस 7 × 7 = 2, 0, ठीक है, 7 × 2 = 14, कितना आ गया 6। जो शेषफल कितना आया हमारा दोस्तों यहाँ से 6 आ गया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा शेषफल कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको 90k + 4 को लिखेंगे 12, यानी कि 7k × 12 + 6k + 4, यानी कि 12 × 7 = 84, ये तो पूरा विभाजित है। 6k + 4 क्या पूरी तरह विभाजित है? नहीं है। तो अब मेरे को k का मान ढूंढना है, तो मैं कह दूंगा 6 × 4 + 4, मैं कह दूं k बराबर 4 रख दो भाई, तो 6 × 6 = 24 और 4 = 28, और 28 7 का गुणज है, 7 × 6 = 28, जब 28 7 का गुणज है, मुझे गुणज चाहिए था ना, 28 7 का गुणज है, 184 7 का गुणज नहीं था, मुझे गुणज चाहिए था, 184 पे भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही थी, तो मेरे को क्या चाहिए था 7 का गुणज। तो 7 का गुणज कितना मिला मेरे को? 28, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई अब 4, तो मैं कहूंगा 90 × 4 + 4 जो शेषफल बच रहा है, तो 360 + 4 = 364 के, और 364 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप दोस्तों ऑप्शन में जाके देख सकते हो 74, 94, 184, 364, इनमें से सिर्फ 364 ही एक वो संख्या है जो 7 का गुणज है, ठीक है।
इनमें से एक वही संख्या है जो 7 का गुणज है, वो है 364। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 364। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, कई सारे ये एक ही पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णता विभक्त हो। दोस्तों अब आप मेरे को एक चीज बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 में क्या डिफरेंस है? बस इतनी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा क्या डिफरेंट है इन दोनों चीजों में। थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है, सेम क्वेश्चन है, वो डिफरेंस क्या है जो लैंग्वेज में चेंज है? ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो दोस्तों 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम लोगे तो दोस्तों आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5, 6, 9, 8, 12 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 840। ठीक है, नहीं 840 नहीं आएगा, 361 आएगा, 360 सॉरी। इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 12, और देखो 12 मैंने बड़ी संख्या एलसीएम माना, 6 से भी हो जाएगा और 6 से ये इससे हो जाएगा 12 ठीक है। हाँ दोस्तों 360 इसका एलसीएम आएगा, आप एलसीएम लेके देख सकते हो, इतना मेरे को पता है 360 एलसीएम आ रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, अब वो कहता है 13 से विभाज्य जो हो परंतु शेष एक बचे, यानी कि 360 K+1। ठीक है, अब K की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि वो 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए और इनसे भाग दूं, इन राशियों से, इसमें तो हमेशा शेष एक आए, तो मैं कहूंगा दोस्तों 360 को 13 से आप विभाजित कर दो। 13 दूनी 26, 10 बचे 0, 13 सत्ते 91, 9 बचे, यानी कि 13 × 27 + 9 K+1। अब K का एक ऐसा मान ढूंढना है कि 9 की मैं गुणा करूं, एक जोड़ूं और वो 9 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों मैं कहूंगा 9 × 10 + 1 यानी कि 91। 91 13 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो यानी कि 360 × 10 + 1, 10 कहाँ से आया? K का मान क्या रखा था मैंने? 10, तो 10 यहाँ से आ जाएगा +1, 3601 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको नंबर्स का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, जो रिमाइंडर है उसको आपको जोड़ना है के मान के। ठीक है, के मान लिया, के को ब्रेक करना है जिससे वो अंतिम से कह रही है, जैसे यहाँ कह रहा था 13 से पूर्णता विभक्त हो, तो 13 से 360 को आप विभाजित करोगे तो वो जितनी बार जाएगा उससे क्या होगा फायदा ब्रेक करने से, कि आपको 360 में के का मान अगर रखने के लिए कह दिया जाए और कह दिया जाए एक भी जोड़ो और 13 से पूर्णता विभक्त हो, ऐसी संख्या बताओ, तो 3601 13 से पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन आपको से 5, 6, 8, 9, 12 से जब विभाजित करोगे तो रिमाइंडर एक आएगा, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी के का मान रखने में। इसलिए हम के को 360 के को मैंने ब्रेक किया है, जैसे पहले 90 K को ब्रेक किया था ऐसे ही मैंने यह 360 K को ब्रेक कर लिया, जिससे कि के का मान निकालने में आसानी रही आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 सेम क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से करता हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, देखो प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें आएंगी, अगर आप सोच रहे हो कि यूं ही आ जाएंगी तो ऐसा नहीं हो सकता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बुक से आप करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएंगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो, यानी कि 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 से हम भाग देंगे तो दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आएगा? 5, 6, 7, 8 का एलसीएम आता है दोस्तों 840। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, इतना ही है, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो। दोस्तों अगर 5 से आप 840 में भाग लगाओगे तो शेषफल बच रहा है क्या? कुछ भी शेष नहीं बच रहा। ठीक है, 6 से लगाओगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, देखो 6 × 6, 6 × 6, 24, 7 से लगाओगे तो 7 × 7, 7 × 2 = 14, 8 से लगाओगे तो 8 × 8, 8 × 5 = 40, 840 पूरी तरह विभाजित हो गया, लेकिन वो कह रहा है 3 शेष बचे, तभी मैंने कह दिया 840 K+3। ठीक है,
परंतु 9 से भाग देने पर शून्य प्राप्त हो, लेकिन 9 से अगर हम इस संख्या में भाग दें तो देखो यहाँ कह रहा था पूर्णतः विभक्त हो, यहाँ कह रहा है शून्य प्राप्त हो। बस यही चीजें हैं, इन्हीं शब्दों का फेर है इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस था, मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद आपको कि वो डिफरेंस क्या था जो मैंने पूछा था आपसे। तो दोस्तों 840 को आपको किससे भाग लगाना है, 9 से, जिससे वो पूर्णतः विभक्त हो या पूरी तरह भाग देने पर शून्य प्राप्त हो, उसी राशि से हम अपने शेषफल को, सॉरी एलसीएम को भाग लगाएंगे। तो 9 निम 81, 3 0, 9 सत्ते 9 तिया 27, ठीक है। तो दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा वो इसका क्या होगा, दोस्तों एक तो हो गया 9 × 93 प्लस, यानी कि इतनी राशि जो है अगर 9 से भाग लगाऊं तो शून्य प्राप्त होगा, और इनसे भाग लगाऊंगा तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, 3। शेषफल कितना बचना चाहिए प्रत्येक दशा में, 3 बचना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास रह गया 3k + 3। अब मेरे को एक ऐसा नंबर k का यहाँ ढूंढना है कि मैं उसमें 3 जोड़ दूं और वो 9 से विभाजित हो जाए, तो मैं कहूँगा 3 × 2 = 6 और 3 = 9, 9 से विभाजित है, यानी कि k की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, 3 मिल गई। तब मैं आपसे कहूँगा 840 × 3 + 3, 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 12, 2 + 1 = 1, 3 × 8 = 24, नहीं 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24 और 1 = 25 + 3, 2500, एलसीएम ठीक था ना, 2523। क्या ऑप्शन में आंसर है 2523 कहीं, 2523 सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है वो 2523 आ रहा है। एक बार दोस्तों मैं बुक में से देख लेता हूँ, हाँ दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ 2 की गुणा होगी, सॉरी 840 के का मान तो 2 ही है ना, के बराबर कितना रखा था, 2 रखा था ना, तो 2523 इसका आंसर नहीं है। यही मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, जैसे अभी मेरे पे हो गई इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, वहाँ हमें बुक नहीं मिलेगी चेक करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। 8 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 + 3, यानी कि 1683, 1683 वो संख्या होगी जिसे आप 9 से विभाजित करोगे तो मिलेगा आपको शून्य, 5 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 7 से करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 8 से करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझने के लिए लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर करना पड़ेगा, बार बार आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा रहे होगे तब आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, सेम है, पहले उस क्वेश्चन का डिफरेंस मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। दोस्तों यहाँ कह रहा था वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9, अरे दोस्तों यहाँ बात तो वही है, 7 का गुणज कहा है और यहाँ कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से विभक्त हो। मैं यही इस चीज को कहता हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 9 15 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे परंतु 7 से पूरी तरह विभाजित हो। बात तो वही है, यहाँ गुणज कह दिया है, यहाँ 13 से पूर्णतः विभक्त कह दिया है, यहाँ कह दिया है 9 से भाग देने पर शून्य प्राप्त हो। भाषाएं बदल जाएंगी दोस्तों, और कुछ नहीं होना है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8, 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु, नहीं 43 हाँ, परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या कौन सी होगी। अच्छा सवाल है, देखो एलसीएम निकालेंगे 3 5 6 8 10 12 का, इनका एलसीएम दोस्तों आएगा 120, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, तो दोस्तों 120k + 2, यानी कि 120k + 2, 13 से 120 को विभाजित करोगे दोस्तों तो कितना, कितने टाइम चला जाएगा, 13 से जाएगा 13 7 91 13 8 104, 13 9 170, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 3, यानी कि 13 × 9 + 3k + 2, इतनी तो राशि अलग हो गई ना। ब्रेक करने का एक यही फायदा है कि हमें k की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है, और ब्रेक किससे करना है, जिससे वो हमसे कह रहा है कि 13 से पूर्णतः विभाग जो हो, 9 से भाग देने पर शून्य प्राप्त हो, 13 से पूर्णतः विभाग तो 7 का गुणज हो, मतलब कि जिससे फाइनल हम आंसर दें और पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो उससे हमें
ब्रेक करना है, ठीक है। तो दोस्तों 13 से हमने ब्रेक करा तो इतना आ गया, यानी कि 3k + 2। अब 13 से इसको विभाजित करने के लिए मेरे को यहाँ k का क्या मान रखना पड़ेगा, आप मेरे को ये बताओ। तो मैं आप यहाँ कहूँगा 13 दूनी 26, यानी कि 3, 3 8 24 + 2, यानी कि 24 + 2 = 26 k। 26 13 से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि k बराबर कितना रखा दोस्तों मैंने, 8। तो दोस्तों 120 × 8 + 2 12 8 96, 960 + 2 962। 962 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 962 एक वो संख्या होगी जिसे 13 से आप भाग लगाओगे। देखो अब करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन पे हम इस चीज को। तो 13 7 91 कितने बचे, 5, 13 4 52। तो ये 52 पूरी तरह विभाजित हो गया। इस बार मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ आपको इन सारी चीज़ों से, ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो आपने देखा कि पहली कंडीशन पूरी हो गई, 13 से पूर्णतः विभक्त हो, 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, 2। तो दोस्तों आंसर आया था हमारा 962। तो देखो 962 को अगर आप 3 से विभाजित करोगे तो 3 3 9, 3 2 6, 2 शेष फल आ गया। 962 को 6 से डिवाइड कर रहे होगे तो 6 कम 6, 3 6 36, 2 रिमाइंडर आ गया। 962 को 10 से डिवाइड कर रहे होगे तो 10 निम्मा 90, कितने बचे 62, तो 2 रिमाइंडर आ गया। 962 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, कितना बचे 1, और 8 दूनी 16, 2 रिमाइंडर आ गया यहाँ से भी। 962 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 8 96, 2 रिमाइंडर आ गया। मतलब हर केस में रिमाइंडर जो आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है वह छोटी से छोटी संख्या हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम को के प्लस रिमाइंडर जो हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, और जो हमारा एलसीएम आया उसे हम जिस संख्या से वो कह रहा है पूर्णतः विभाज्य जो हो या गुणज हो उससे उसको ब्रेक करके अलग कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। बस इतना सा प्रोसेस आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को लगाइए दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आएंगे, और दोस्तों बहुत उम्मीद रहती है एलसीएम में सेफ से ऐसे क्वेश्चंस आने की एग्जाम में, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो दोस्तों 8 9 12 15 बड़ा आसान सा सवाल है, तो 8 9 12 15 का एलसीएम, 8 9 12 15 15 3 5 15 4 3 12 15 64, 3 यहां भी था, 4 भी था 120, एल्स कितना आएगा दोस्तों 360 ही आएगा, हाँ 360 आएगा। 15, ठीक है, 15 में होते हैं 3 और 5, और 12 में कितना होता है 4 और 3, तो यानी कि 4 यहाँ का है, 15 चौका 60 हैं, 60 और हाँ 6 36, 360 ही आएगा। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो दोस्तों वही वाली बात आ गई, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड जो मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 1, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम कितना आया 360 + 1 = 361 के। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का 8 9 12 15 का एलसीएम 360 ही है, तो आंसर होगा डी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो दोस्तों। जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ लाइव हो जाएँ जिससे कि मैं आप लोगों को और अच्छे से इन सारी चीज़ों को बता सकूँ। अभी तो बुक करा रहे हैं इसीलिए कि बुक के सहारे थोड़ा थोड़ा सा अपना बढ़े, ठीक है, फिर मैं लाइव आ जाऊंगा एक बार। तो दोस्तों बिल्कुल नए सिरे से नंबर सिस्टम से शुरू करूंगा। अभी तक आपने दोस्तों चैप्टर से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कैसा कैसा तरीका है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरे मैथ को एडवांस तक को सारा डिस्कस करूंगा पूरा अच्छे से। तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।